नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, हम लोग मैप से सब कुछ पढ़ रहे हैं। पहले हम लोगों ने बायोस्फीयर रिजर्व देखे थे जो 18 है इंडिया में, और प्लस उसकी ट्रिक भी देखी थी जो 11 बायोस्फीयर रिजर्व है, मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है आपका यूनेस्को का, उसके अंडर में। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट जितनी भी है इंडिया में सबकी, एक साथ पूरी मैप की समरी देखेंगे, मैप में कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, और प्लस किस किस स्टेट में है, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो आप कंप्लीट ये देखिए, पूरा मैप देख लीजिए, ये पूरा मैप हम लोग स्टडी करेंगे, किस किस स्टेट में है, कौन कौन सी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये सब कुछ। उससे पहले हम लोग यूनेस्को की वेबसाइट में चलते हैं और यहाँ पे ये समझने की कोशिश करते हैं कि टोटल जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है कितनी। देखिए, टोटल इंडिया में कितनी है इस समय, इंडिया में 37 साइट हैं इस समय, लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से, लेटेस्ट अपडेटेड है 37 साइट हैं, 29 इसमें से कल्चरल साइट हैं, ठीक है। सबसे पहली साइट है आगरा फोर्ट, और उसके बाद फिर पूरी बहुत सारी हैं। लेटेस्ट अगर आप साइट देखेंगे यहाँ पे, तो लेटेस्ट साइट कौन सी है यहाँ पे, लेटेस्ट है ये वाली जो है, विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको इन सेम्बलेंस ऑफ मुंबई। ये लेटेस्ट अभी करंट अफेयर का पार्ट है, ये अभी अभी इसको थोड़े दिन पहले ही इंक्लूड किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडिया की तरफ से। उससे पहले कौन सी थी, ये जो आर्किटेक्चरल वर्क है ये ली कॉर्बूसियर का, छत्तीसगढ़ सॉरी चंडीगढ़ का, तो उससे पहले की ये है, तो ये दो अभी लेटेस्ट वाली हैं, ये आप समझ सकते हैं। उसके अलावा और भी हैं, ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे ये कंचनजंगा नेशनल पार्क को बनाया गया 2016 में। तो अगर आप देखिए, ये यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि टोटल इंडिया में 37 साइट हैं, ठीक है, 37 में से टोटल जो है आपकी कल्चरल वाली कितनी है, 29 हैं, और नेचुरल वाली 7 हैं, और आपकी मिक्स वाली है 1, और करंट अफेयर लेटेस्ट वाली कौन सी है, विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डिको इन सेम्बलेंस ऑफ मुंबई, ठीक है, ये करंट अफेयर वाली 2018 में ही इसको इंक्लूड किया गया है, और प्लस ये 7 नेचुरल साइट हैं, ठीक है, और एक मिक्स्ड साइट है, वो कौन सी है, वो कंचनजुंगा। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। 37 साइट को अब हम लोग पूरा मैप में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आप इसमें देखेंगे यहाँ पे कि शुरू से ऊपर से अगर आप नॉर्थ से देखें कि कौन कौन सी है, तो सबसे ऊपर जो है आपकी, पहले तो ये है, ये जो माउंटेन रेलवे है, एक तो देखिए कलकत्ता, ये शिमला रेलवे है, और ये तीन जगह फैली है, मतलब ये तीन साइट है, लेकिन इसको एक ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोला जाएगा, एक ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट तीन जगह फैली है। ये आपकी कालका शिमला रेलवे दार्जिलिंग में है वेस्ट बंगाल में, और एक सबसे साउथ में भी अगर आप देखें यहाँ पे कहीं है, ये जो नीलगिरी माउंटेन रेलवे देख रहे हैं ये, तो ये तीन जगह ये है एक ही साइट, ठीक है। फिर और बहुत सारी साइट को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर दूसरी साइट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कौन सी है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है ये। फिर ये नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे, उत्तराखंड में है, ठीक है। फिर आर्किटेक्चरल जो वर्क है ली कॉर्बूसियर का, ये कहाँ पे, चंडीगढ़ में है ये। तो इसमें अगर आप यहाँ पे समझने की कोशिश करें, तो जो नॉर्दर्न मोस्ट आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो कौन सी है, कालका शिमला रेलवे है, ठीक है, ये यहाँ पे समझ सकते हैं। फिर ये दिल्ली के आसपास वाले एरिया में बहुत सारी साइट हैं, अगर आप इसमें देखेंगे यहाँ पे, तो जैसे सबसे पहले तो ये है आपकी कुतुब मीनार। अब देखिए, कुतुब मीनार की साइट की एक विशेषता ये है कि इसको स्टार्टिंग तो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, फिर इसमें इल्तुतमिश ने भी तीन फ्लोर बनाया, फिर फिरोज शाह तुगलक ने भी एक फ्लोर बनाया था पांचवा वाला, शेर शाह सूरी ने इसमें दरवाजा लगाया था, तो इसीलिए सभी ये चारों के चारों यहाँ पे इन्वॉल्व थे, ये समझने की बात है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये कुतुब मीनार कहाँ पे, दिल्ली में है ये। फिर ये आपका हुमायूं का ये जो मकबरा है ये है, उनकी वाइफ ने बनवाया था। फिर रेड फोर्ट जो है आपका दिल्ली में है। फिर ये ताजमहल हो गया, ये यूपी का हो गया। आगरा फोर्ट हो गया, ये आपका अकबर ने स्टार्ट किया था, यूपी का है ये। फतेहपुर सीकरी, ये भी यूपी में, गुजरात की विक्ट्री पे अकबर ने बनवाया था ये, ठीक है। तो ये सब है यहाँ पे, और फिर और भी समझने की कोशिश करें किस किस स्टेट में। राजस्थान की तरफ अगर हम लोग चलेंगे, तो राजस्थान में जैसे हिल फोर्ट्स हैं, चार पांच जो फोर्ट हैं लगातार, उनको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया। जंतर मंतर जो है जयपुर का, ये भी इंक्लूड किया गया, ये दो राजस्थान के हो गए। एक एक केवला देव नेशनल पार्क है, यहाँ पे बर्ड के लिए काफी फेमस है ये, बहुत दूर दूर से देशों से बर्ड आती हैं यहाँ पे। फिर गुजरात की तरफ अगर हम लोग चलें, तो गुजरात में भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये अगर आप देखें यहाँ पे कि जैसे ये जो है यहाँ पे आपका गुजरात है, गुजरात में कौन कौन सी होगी, रानी की वाव, ठीक है, प्लस ये हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, इसको भी 2017 में इंक्लूड किया गया था, और ये चंपानेर पावागढ़, ये भी गुजरात की साइट है। तीन हो गई आपकी गुजरात की।
एमपी में अगर आप देखें तो एमपी में ही खजुराहो जो टेम्पल ने चंदेला ने बनवाए थे। अभी हम लोग इसकी जो मेन मेन बातें हैं वो सब भी देखने की कोशिश करेंगे। फिर भीमबेटका का जो रॉक शेल्टर्स हैं ये भी, और सांची स्तूपा, ये तीन जो हैं आपकी, ये हैं आपकी एमपी की, ठीक है। फिर और अगर आप थोड़ा सा नीचे आए महाराष्ट्र की देखें, महाराष्ट्र में देखिए अजंता है नॉर्थ में। अजंता जो है वो सिर्फ बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, जो इलोरा है वो बुद्धिस्ट से भी है, हिंदुइज्म से भी है, जैनिज्म से भी है। तो ये दोनों में डिफरेंस यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद फिर ये जो एलिफेंटा केव है ये भी महाराष्ट्र में है। फिर ये जो विक्टोरियन एंड आर्ट एंसेम्बलम ऑफ मुंबई, ये वाला भी मुंबई महाराष्ट्र में ही है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ये भी महाराष्ट्र में। ये तीनों जो देखिए महाराष्ट्र में आप समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा साइट है यहाँ पे, लगातार यहाँ पे देख सकते हैं आप। जैसे अजंता हो गई है, कि अजंता, इलोरा, ठीक है, एलिफेंटा, फिर ये छत्रपति और विक्टोरियन, तो पांच साइट हैं लगातार महाराष्ट्र में, ठीक है। फिर आप और नीचे आएंगे अगर यहाँ पे, कि ये वाला जो है आपका, ये गोवा में, गोवा में जो चर्चेज हैं और कॉन्वेंट्स हैं ये सब गोवा में है। फिर देखिए कर्नाटक में पटक्कल है और प्लस एमपी, तो ये दो हैं आपकी कर्नाटक में, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे अगर आप पूरा स्टेट वाइज देखें यहाँ पे, तो ये वाला है जैसे कि वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट अगर आप देखें तो देखिए छह स्टेट में फैले हुए हैं, पूरा गुजरात से लेके यहाँ पे केरल तक पूरा फैला हुआ है वेस्टर्न घाट। और इसमें हम लोग नीलगिरी माउंटेन रेलवे देख चुके हैं कि ये तो तीन जगह पे है आपका, ठीक है। फिर वेस्टर्न घाट भी मतलब काफ़ी सारे इसमें साइट हैं, 39 के करीबन इसमें साइट हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती हैं। फिर यहाँ तमिलनाडु में आप देखेंगे तीन टाइप के चोला टेम्पल हैं, अभी हम लोग तीनों की डिटेल देखेंगे, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। महाबलीपुरम भी है ये जो तमिलनाडु का ही है, ठीक है। तो ये है यहाँ पे आपका। और इधर की तरफ चलते हैं ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट में अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये जैसे ईस्ट में है आपका ये सुंदर, ये सन टेम्पल जो है कोणार्क में, उड़ीसा में ये, ठीक है, ये वाला हो गया। सुंदरबन जो डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्र जो मेघना, ये नदियों के जो कॉन्फ्लुएंस से बनता है वर्ल्ड का, और लार्जेस्ट डेल्टा ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। फिर यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं, तो बोध गया है बिहार में, नालंदा भी बिहार में है, दार्जिलिंग वाली हम लोग देख ही चुके हैं कि जो रेलवे वाली है, कंचनजंगा पार्क है आपका सिक्किम में, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपका असम में, और काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये भी आपका असम में है। देखिए ये वाली जो हमने देखी थी कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये मिक्स साइट है, ये जरूर याद रखिएगा। तो ये तो मैप से हो गया, अब इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें समझने वाली हैं, थोड़ी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं, ये आगे काम आ सकती हैं बहुत ज़्यादा। जैसे अगर आप समझें कि ये जो अजंता केव है कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ये दिया हुआ है कि कब बनना चालू हुई थी, 2nd सेंचुरी BC से लेकर 6th सेंचुरी तक बनी है ये, और ये बेसिकली बुद्धिस्ट केव है ये, ठीक है। पहले इनको 2nd सेंचुरी BC में स्टार्ट किया गया बनाना, फिर गुप्ता वाले पीरियड में और आगे बढ़ाया गया। 31 हैं यहाँ पे रॉक कट मॉन्यूमेंट्स हैं, ज़्यादातर जो डिपिक्ट करती हैं वो क्या करती हैं, कौन से रिलीजन को, बुद्धिज्म को। इलोरा केव्स हैं, ठीक है। तो और देखिए अजंता जो केव्स हैं ये सबसे पहली साइट भी थी, ये भी आप याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर इलोरा है ये आपकी, ये भी महाराष्ट्र में है, ये 600 से लेके 1000 AD। मान लीजिए क्रोनोलॉजिकल जो क्वेश्चन आते हैं ना कभी, अगर अजंता इलोरा का आ जाए, पहली बात तो अजंता जो है वो नॉर्थ में है इलोरा से, और अजंता पहले बनी थी, इलोरा बाद में बनी थी, ये दो चीज़ आप याद रखिएगा। इलोरा है आपका बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म तीनों से रिलेटेड। 34 मोनेस्ट्री हैं यहाँ पे, हाई बसाल्ट क्लिफ यहाँ पे देखा जा सकता है, ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं आपको समझने वाली। और थोड़ा सा आगे चलें, आगरा फोर्ट अकबर ने बनवाना चालू किया था, ये रेड फोर्ट ऑफ आगरा है, ये रेड सैंड स्टोन से बना है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है। यमुना नदी के राइट बैंक पे ये लोकेटेड है ये, ठीक है। प्लस बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे और भी हैं, कि यहाँ पे क्या क्या है, शीश महल है, खास महल है, मोहम्मद बुर्जे, ये एक ऑक्टागोनल टावर है, दीवाने खास है, दीवाने आम है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और बना किससे है, रेड सैंड स्टोन से, ठीक है। ये वाली बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा आगे की चलते हैं, ये जैसे ताजमहल आप जानते हैं किसने बनवाया था, ठीक है, शाहजहां ने, उत्तर प्रदेश में है ये, वन ऑफ द 7 वंडर्स है ये, जो 7 आश्चर्य हैं पूरी दुनिया के उनमें से ये भी है। इसको बनवाया था चीफ आर्किटेक्ट कौन थे, इनका नाम याद रखिएगा, इस बनाया कब गया था, उस्ताद अहमद लाहौरी ने, 1631 से लेकर 1648 तक। मेन मेन बातें बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये भी यमुना नदी के राइट बैंक पे आपका ये, यहाँ पे एक ऑक्टागोनल लेआउट है, तो ये इतनी चीज़ें आपको जरूर याद रखनी चाहिए कम से कम,
ठीक है, फिर उसके बाद और अगर आप आगे चले, सन टेम्पल जो है कोणार्क का, सन टेम्पल ये कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है, ठीक है, अभी हमने वो पोजीशन दिखाई थी आपको, पूरी डिस्ट्रिक्ट में है ये, और ये जो है ईस्ट कोस्ट में जो महानदी डेल्टा के आसपास वहाँ पे बनता है ये, ठीक है, 13 सेंचुरी में बनवाया गया था ये, और इसको ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको किसने बनवाया था, किंग नरसिम वन ने, तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। फिर जो आपके ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट महाबलीपुरम में हमने देखा था, ये तमिलनाडु में है, जो मैप देखा था याद है आपको कि नहीं, ये मैप देख लीजिए यहाँ पे, ये वाला जो, ये वाला जो दिख रहा है, ये यही वाले की बात कर रहे हैं हम लोग। फिर आगे ये जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट महाबलीपुरम है, कहाँ पे, तमिलनाडु में, 7th-8th सेंचुरी में बनाया गया था, ये भी पल्लव किंग ने बनाए थे ये 7वीं और 8वीं शताब्दी में, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। उसके बाद फिर ये यहाँ पे रथा टेम्पल भी हैं, और कई सारे चैरियट के टेम्पल जो हैं वो चैरियट के फॉर्म में, रथ के फॉर्म में है ये याद रखिएगा। काजीरंगा ये असम में है, और ये ब्रह्मपुत्र के रिवर के साउथ बैंक में लोकेटेड है ये, वहाँ पे जो फ्लड प्लेन है वहाँ पे बनाया गया है इसको, यहाँ पे नेशनल पार्क भी याद रखिएगा इसमें, और ये जो वन ऑन राइनोसोरस होते हैं वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है इनकी, ठीक है। उसके बाद आप और आगे की तरफ चलेंगे तो मानस वाला जो है वो भी असम में ही है, मानस जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है असम में है, ये मानस रिवर है यहाँ पे, उसी पे लोकेटेड है, उसी के फुटहिल पे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इंडेंजर्ड स्पीसीज अगर आप यहाँ देखें, टाइगर पिग्मी हॉग है, तो ये कुछ है यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्पीसीज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखना है, थोड़ा थोड़ा मेन मेन बातें बस देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कई बार ऐसी चीज़ें जो एग्जाम में आती हैं बस मैं वही बता रहा हूँ आपको। फिर केवला देव जो नेशनल पार्क है बर्ड के लिए, वो काफ़ी फेमस है, भरतपुर राजस्थान में है ये, ठीक है, और इसमें काफ़ी दूर दूर से तुर्कमेनिस्तान, चाइना, साइबेरिया, कहीं कहीं से बर्ड आती हैं यहाँ पे। फिर आपके जो चर्चेज हैं जितने भी, ये जो आपके गोवा के हैं ये वाले की भी पोजीशन हमने देखी थी ये, ठीक है, तो ये हैं आपके कहाँ पे, गोवा के हैं ये, और इनको पुर्तगीज ने, जो पुर्तगाली लोग थे उन्हीं ने बनवाया था यहाँ पे, स्टार्टिंग में वही लोग थे, और काफ़ी सारी पूरी हिस्ट्री है, मेन इंपॉर्टेंट बात बस बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, पुर्तगीज जो कॉलोनी थे, वैसे भी आपने देखा होगा कि गोवा सबसे लास्ट में यहाँ पे इंडिया में वैकेट किया गया था, इंडिया आज़ाद हो गया तब तब भी ये लोग ऐसे गए नहीं थे, सेना जब गई थी तभी इनको भगाया गया था। फिर खजुराहो जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट है ये मध्य प्रदेश में है, अब देखिए ये क्वेश्चन आता है कि इसको किसने बनवाया था, चंदेला डायनेस्टी ने बनवाया था, ये आप याद रखिएगा, और यहाँ पे जो है हिंदू और जैनिज्म के रिलीजियस प्रैक्टिसेस काफ़ी सारी यहाँ पे आपको मिल सकती हैं, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट है हम्पी, ये कहाँ पे है, बल्लारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में है ये, और ये यहाँ पे ये जो क्या क्या ये विजयनगर के कुछ कुछ जो बचे खुचे अवशेष हैं यहाँ पे दिख सकते हैं आपको, तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। फिर उसके बाद और आगे अगर आप चलें तो फतेहपुर सीकरी, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अकबर ने जब जीता था गुजरात तो उस टाइम पे ये बनवाया गया था ये, ठीक है, गुजरात पे फतेह हुई थी उसकी 1573 में, तब ये बनवाया गया था फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और उसमें फिर आप और आगे की तरफ चलेंगे तो ये ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पटक्कल है ये भी कर्नाटक में ही है, ठीक है, ये वाले जो हैं आपके पूरे हम लोग देखे थे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एलिफेंटा केव जो है, ये गुफाएं जो महाराष्ट्र की हैं ये, ठीक है, तो एलिफेंटा केव, इलोरा केव और अजंता केव, तीनों की तीनों कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में, ये इंपॉर्टेंट बात जरूर याद रखिएगा आप। फिर और अगर आप आगे चलेंगे इसमें तो ये वाला आपको दिख जाएगा, ये जो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल है, ये तीन है तमिलनाडु में, एक है गंगाईकोंडा चोलापुरम और एक है दारासुरम तमिलनाडु में, बृहदेश्वर है तीसरा तंजावुर में, ये तीनों को बोलते हैं ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, चोला के टाइम पे बनाए गए थे ये, ठीक है, ये तीनों याद रखिएगा, तीनों ही तमिलनाडु में आते हैं। फिर उसके बाद सुंदरबन नेशनल पार्क का मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है ये, ठीक है, वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है ये, और ब्रह्मपुत्र, मेघना, गंगा के तीनों नदियों के जो सेडिमेंट है उन पे, उनसे मिला के बनता है ये, ठीक है। मैनग्रूव फॉरेस्ट भी यहाँ पे पाए जाते हैं, मैनग्रूव से याद आया, मैनग्रूव की मैंने आपको रिपोर्ट दी थी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में, आप ये बताइए इंडिया में किस किस स्टेट में मैनग्रूव पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा मैनग्रूव कहाँ पे पाए जाते हैं, टॉप 5 बताइए जल्दी से, ये सब चीज़ें रटी होनी चाहिए, एग्जाम में पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये सब चीज़ें। नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर जो है नेशनल पार्क की कहाँ पे हो, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड में, ठीक है, जांस्कर और जो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है
ग्रेट हिमालय की रेंज में है मतलब, और यहाँ पे नंदा देवी नेशनल पार्क भी है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी है। बुद्धिस्ट जो मॉन्यूमेंट है सांची में, मध्य प्रदेश में है ये, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, अशोक के टाइम पे ये चालू हुए थे ये। फिर उसके बाद है आपका हुमायूं का जो मकबरा है आपका, उनकी बीबी ने बनवाया था दिल्ली में ये, ठीक है। तो उनकी विडो थी जो बीगा बेगम, उन्होंने स्टार्ट किया था इसको बनवाना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। बाकी तो ऐसे कई सारी बातें की जा सकती हैं, मैं बस यहाँ पे अभी अपने आप को उतना ही सीमित रख रहा हूँ जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। वैसे कुतुब मीनार मैंने आपको बताया कि ये स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और फिर उसके बाद इल्तुतमिश ने बनवाया 3 फ्लोर, और फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया 1 फ्लोर, और शेर शाह चूरी ने दरवाजा लगवाया था। तो ये तीनों लोग इससे एसोसिएटेड थे, याद रखिएगा आप। और आगे चलें तो माउंटेन रेलवे मैंने बताया था 3 जगह पे हैं, कहाँ कहाँ पे, एक तो आपकी वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग, एक है आपकी तमिलनाडु में नीलगिरी, और एक है कालका शिमला हिमाचल प्रदेश में। फिर उसके बाद आपके महा जो महाबोधि जो गया महाबोधि जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है बिहार में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है ये। रॉक शेल्टर जो है भीमबेटका की मध्य प्रदेश में, ये भी इम्पोर्टेंट है, विंध्या रेंज के आसपास है ये, ठीक है। फिर छत्रपति जो आपका शिवाजी टर्मिनस है मुंबई का, ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, इसको विक्टोरिया टर्मिनस भी बोलते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी थोड़े दिन पहले ही इसको किया गया है यहाँ पे रिकॉग्नाइज, नहीं इसको 2014 में कर लिया, 4 में कर लिया गया था इसको। फिर उसके बाद ये वाला जो है आपका चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क है गुजरात में है ये, ठीक है। इसको भी 2004 में किया गया था, यहाँ पे कालिका माता टेम्पल और जैन टेम्पल है यहाँ पे लोकेटेड। फिर रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स यानी कि जो लाल किला है दिल्ली का, वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, तो ये आप याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये भी है काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, इसके बगल में ये शालीमार पोर्ट भी है ये, और इसको बनवाया किसने था, शाहजहां ने बनवाया था 17वीं सेंचुरी में, तो ये आप याद रख सकते हैं यहाँ रेड फोर्ट वाला। जंतर मंतर की जो है आपकी जयपुर की है ये, ठीक है, ये आपका राजस्थान में है, ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फिर वेस्टर्न घाट की मैंने बताई थी, काफ़ी सारी साइट है इनको इंक्लूड कर लिया गया था। अब देखिए वेस्टर्न घाट में आप देख सकते हैं पेरियार वाला, अन्नामलाई सब क्लस्टर, नीलगिरी, ताला कावेरी और बहुत सारे हैं इसमें। तो वेस्टर्न घाट को सह्याद्री माउंटेन भी बोलते हैं, 6 राज्यों में फैला हुआ है, गुजरात से लेके पूरा आपका नीचे केरला तक की गोवा हुआ सब मिला के। इसमें टोटल कितनी साइट है, 39 जो प्रॉपर्टीज हैं इंक्लूडिंग नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इन सबको मिला के वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है। सबसे ज़्यादा इनकी जो साइट है वो केरल में है 20, और 10 है कर्नाटक में, 5 है तमिलनाडु में, 4 है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये है। इसके बाद फिर हिल फोर्ट जो है राजस्थान के, इनको भी इंक्लूड किया गया था 2013 में, ठीक है। तो ये हैं कौन कौन से हैं, चित्तौड़गढ़ का, कुंभलगढ़ का, रणथंबोर, अंबर सब क्लस्टर और जैसलमेर और गगरोन, तो ये है आपके। और प्लस अभी लेटेस्ट अभी 2000 आप देखेंगे 14 में रानी की वाव को भी इसी में किया गया था इंक्लूड, ये भी गुजरात का, ये गुजरात में है ये, ठीक है। तो ये है काफ़ी इम्पोर्टेंट। और उसके बाद फिर ये ग्रेट नेशनल हिमालयन पार्क ये हिमाचल प्रदेश का, इसको इंक्लूड किया गया था। नालंदा जो है बिहार में, इसको इंक्लूड किया गया है 2016 में। और ये अगर आप देखें यहाँ पे कि ये जो बाकी है जो चंडीगढ़ वाला है, ये आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बूसियर चंडीगढ़ वाला, इसको किया गया 2016 में है। और हिस्टोरिक सिटी जो है अहमदाबाद की, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये इंडिया की तरफ से बनी है पहली, अहमद शाह ने इसको बनाया था, इसको किया गया। और लास्ट में जो अभी लेटेस्ट है 37 वाली, वो कौन सी है, वो ये है ये आपकी विक्टोरियन एंड आर्ट डेको इंसेम्बलेंस ऑफ मुंबई महाराष्ट्र की। तो ये 37 साइट है, याद रखिएगा, मैप के साथ भी बता दिया और ऐसे भी, मेन मेन बातें मैंने बता दी हैं आपको, बाकी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नॉर्थ में अब आप ये इतना सारा आपको बताया है मैंने, आप खुद बताइए आंसर करके कि नॉर्दर्न मोस्ट साइट कौन सी है, जो भी आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, नॉर्दर्न मोस्ट कौन सी है, ईस्ट साउदर्न मोस्ट कौन सी है, ईस्टर्न मोस्ट कौन सी है, वेस्टर्न मोस्ट कौन सी है, मैप में देख के आप आराम से बता सकते हैं, ठीक है। प्लस कई बार ऐसे भी होते हैं कि मान लीजिए 3-4 साइट दे देंगे आपको, नॉर्थ से लेके साउथ तक अरेंज करनी होगी, या ईस्ट से लेके आपका वेस्ट तक अरेंज करनी होगी, तो ऐसे करने की थोड़ा मैप से पढ़ने की कोशिश करिए, आपको सही लगेगा इसमें। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज लाइक एंड शेयर।